हाय माय डियर ऑल, होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी आज की चर्चा का विषय है लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने के संबंध में। लेकिन इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 में इनेक्ट हुआ था, उसमें अब तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। वहीं अगर यूएस की बात करें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1788 में लिखा गया था और उसमें अभी तक मात्र 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। यानी कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 1.25 साल पुराना है। और अगर वहीं ब्रिटेन की बात करें तो वो एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। अब असली मुद्दे पर बात करती हूँ। सरकार के कैबिनेट ने लड़की की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने के संबंध में मंजूरी दे दी है और ये बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर यह देश का कानून बन जाएगा। अभी तक लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 21 साल है। सरकार का कहना है कि इस फैसले के पीछे लड़की को स्वस्थ बनाना और उसे कुपोषण से बचाना है। साथ ही शादी की उम्र बढ़ाने से, महिला के कम उम्र में मां बनने से उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोकना भी है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर, दैट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना और महिला के पोषण में सुधार लाना है। सरकार का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लड़की की मां बनने की उम्र में प्रवेश करने के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसको पॉपुलेशन कंट्रोल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुकी है। एज पर NHSF फर्टिलिटी रेट 2.2 के नीचे पहुंच गया है। मैं भी सरकार की इन सभी बातों से एग्री करती हूं और आप भी एग्री करते होंगे। आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ आए इसलिए मैं हमारे चाइल्ड मैरिज एक्ट में आए बदलाव की एक ब्रीफ जानकारी आपको देना चाहूंगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 पास किया, जिसके अकॉर्डिंग लड़की की शादी की उम्र 14 साल और लड़के की शादी की उम्र 18 साल थी। 1949 में लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर 15 साल कर दी गई। फिर 1978 में एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई। साथ में ये एक और बड़ा चेंज इसमें आया कि सरकार ने चाइल्ड मैरिज को कॉग्निजिबल ऑफेंस बना दिया। यानी कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो एक्यूज को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है या पनिश किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी चाइल्ड मैरिज होती रही और आज भी 23% मैरिजेज चाइल्ड मैरिज हैं। अगर हम ग्लोबल चाइल्ड मैरिज डेटा की बात करें तो 1/3 मैरिजेज जो हैं वो इंडिया से हैं। इसके बाद फिर 2006 में एक बदलाव आया, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें चाइल्ड ब्राइड अपनी मैरिज को डायरेक्ट कंप्लेन करके वॉइड करार कर सकती है या कैंसिल करार कर सकती है। 2006 से पहले अपनी मैरिज को कैंसिल करने के लिए चाइल्ड ब्राइड को डाइवोर्स लेना पड़ता था। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये थी कि चाइल्ड ब्राइड अपनी मैरिजेबल एज के 2 साल के अंदर ही अपनी मैरिज को वॉइड करार कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। यानी कि 18+2 20 ईयर्स तक वो अपनी मैरिज को कैंसिल करवा सकती है। तो सोचने की बात ये है कि अगर लड़की में इतनी मैच्योरिटी होती तो वो अपनी चाइल्ड मैरिज को अपोज करती,
और दूसरी बात ये है कि 20 साल तक लड़की पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहती है, तो क्या ऐसी हालत में वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेन करेगी? शायद नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कानून में बदलाव लाए जाते हैं, क्या उससे सोसाइटी में परिवर्तन आता है या वो केवल अमेंडमेंट बनकर ही रह जाते हैं? और अगर हम चाइल्ड मैरिज के कंप्लेन की बात करें, तो जो कंप्लेन रजिस्टर भी होती हैं, वो उन पेरेंट्स के द्वारा होती हैं जिनके बच्चे भागकर शादी करते हैं। अब बात करते हैं कि लोग सरकार के इस कदम को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। कुछ लीडर्स का कहना है कि अगर लड़की 18 साल की एज पर वोटिंग राइट रखती है, वो अपना MLA, MP, प्राइम मिनिस्टर चुन सकती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, वो बिजनेस कर सकती है, इन सब में उसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती? मेरी ओपिनियन में एडोलेसेंट एज में बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है, यानी कि बच्चे की लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल डेवलप हो जाती है। इसीलिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 17-18 साल का बच्चा NDA, IIT, NEET जैसे टफ एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है, तो वह वोटिंग राइट की समझ भी रखता है। जबकि 18 साल की एज एक टेंडर एज होती है मां बनने के लिए। WHO के अनुसार 15 से 19 ईयर्स पर डेथ का दूसरा मुख्य कारण लड़की की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसके साथ ही 20 साल की उम्र से कम पर मां बनने वाली लड़कियों के बच्चों में जन्म के समय मृत्यु होने का खतरा ज्यादा है। और सरकार का भी यही कहना है कि इस पूरे मुद्दे को मां बनने की उम्र में प्रवेश करने के नजरिए से देखा जाना चाहिए। मेरे विचार में ये जानना जरूरी है कि किस विशेष समुदाय में चाइल्ड मैरिजेज ज्यादा होती हैं। एज पर इंडियन एक्सप्रेस 70% चाइल्ड मैरिजेज अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज जैसे कि SC और ST में पाई गई हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन वीमेन बताती हैं कि वो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती हैं, उनमें चाइल्ड मैरिजेज 3.4 टाइम्स ज्यादा होती हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 बताती है कि इंडिया में 51% वो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती हैं और 47% वो लड़कियां जो प्राइमरी स्कूल में हैं, उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। इससे साफ जाहिर है कि इसकी वजह पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी नॉर्म्स अबाउट द गर्ल चाइल्ड, लो स्टेटस ऑफ गर्ल्स, इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड जेंडर इनइक्वालिटी है। तो सोचने की बात यह है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, तो क्या इन लोगों की सोच और परिस्थिति में बदलाव आएगा? शायद नहीं। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से अब इंडिया में डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ और बर्थ के 21 डेज के अंदर बनाना मैंडेटरी है, ठीक उसी तरह से मैरिज को रजिस्टर कराना भी मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि चाइल्ड मैरिज के एक्यूज को आसानी से पनिश किया जा सके। हालांकि एपेक्स कोर्ट ने स्टेट को एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टिव्स दिए हैं मैरिज को रजिस्टर कराना मैंडेटरी करने के, बट एज सच देयर इज नो कंपल्शन। तो जब तक हमारे लॉज का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दूसरी बात, मैरिज रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कराने से पेरेंट्स मोटिवेट होंगे अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, और इस तरह से गर्ल चाइल्ड एम्पावर होगी। तीसरी बात, सरकार को चाहिए कि पेरेंट्स को शादी के लिए आर्थिक सुरक्षा दें, ताकि पेरेंट्स निश्चिंत हो सकें और उनके दिमाग से निपटाने वाली बात हट सके। चौथी बात, बिल को कम्प्लीटली वॉइड बनाइए, ना कि वॉइडेबल, ताकि एक्यूज को पनिश किया जा सके। महिला होने के नाते अब मैं एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी बात करना चाहूंगी। शादी के बाद लड़की की जिंदगी में
बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। उसका घर बदल जाता है, उसके इन-लॉज उसके पेरेंट्स की जगह ले लेते हैं, अब वो डॉटर की जगह डॉटर इन-लॉ बन जाती है। वो अपनी हैबिट्स, अपनी लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपने तौर तरीके अपनी नई फैमिली के अकॉर्डिंग मैच करवाती है। इनिशियल ईयर्स उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। ऐसे में मैरिज की एज 18 से 21 होने में उसे एडजस्ट करने में काफी आसानी होगी। अब एक और सवाल उठ सकता है, वो है जेंडर इक्वालिटी, कि क्यों ना लड़के की उम्र 18 साल कर दी जाए ताकि दोनों की शादी की उम्र 18 साल हो जाए। शादी अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 18 साल का लड़का अभी 12th पास ही कर पाता है, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, करियर में सेटल नहीं होता है, अर्निंग का कोई जरिया नहीं होता है। ऐसे में शादी, फिर बच्चा और उसका भविष्य कैसा होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो हर हाल में लड़की की उम्र 21 करना ही बेहतर होगा। अंत में मेरा सरकार से ये पूछना है कि 77% लोग आज भी अपनी बेटियों की शादी 18 इयर्स की एज के बाद ही कर रहे हैं, और जब नया कानून बनेगा तब वो उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन वो 23% लोग जो कानून की परवाह किए बिना चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, क्या कानून बन जाने मात्र से उनकी सोच बदल जाएगी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो प्लीज राइट योर व्यूज ऑन कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में।